जी जी बोलिए। नहीं वो घर पे नहीं, बाहर गए हुए। तो कोई कांटेक्ट नहीं होता क्या? बहुत कम होता है। तभी उसे पेमेंट नहीं करवा रहे हैं। पता नहीं, वो तो उनका इशू है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो उनका मैटर है, हम क्या कर सकते हैं। तो सुपरवाइजर से बात कर लीजिए ना। जिनका है उनका बोलिए ना कॉल करने के लिए, हम क्या करेंगे बात करके। आप उन्हीं का नंबर डायल करिए, जो भी है बात उन्हीं से करिए। हम नहीं बात कर सकते, सॉरी कौन है, हम नहीं बात कर सकते हम। हेलो बोलची साइकिल ड्राइवर के मुसाहिद असलम, उन्हें देखा है थकिन ना? वो बाहरे कहाँ रहते हो अभी? वो राजस्थान में। राजस्थान है? हाँ, 6-7 महीने से ज़्यादा हो गया। वाइफ है? वाइफ है। सुना कथा बोलने ना करूँ कथा। हेलो जी, ये मेरा मैटर तो नहीं है, जिसका उनसे आप बात करिए। जिनके आप उनको कॉल कर दिए, ये बेवजह कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज़। बोलिए सर, पेमेंट के रिलेटेड आपसे मेरी बात हुई थी, पेमेंट के रिगार्डिंग आप लोगों से पेमेंट कर दूँ। हाँ, मैंने क्या बात कैसे बताई? हेलो, हाँ जी बोलिए। जी जी सर, आपसे पेमेंट के रिगार्डिंग मेरी बात हुई थी, आपने मुझे बोला था कॉल बैक करने के लिए, मैंने उठाते आपको कॉल करके बाद आपने सब कोई डिस्काउंट नहीं दिया उस टाइम पे। क्या बात कर रहे हो, अब मैंने ये भी मना करा था कि इस महीने तो अभी कोई वो जानते ही नहीं है, ठीक है, फिर भी आप नहीं माने। हाँ, ये पेपर लगा है तो अभी अगले महीने की डेट तक कर देंगे। अभी मुझे मैंने आपसे कहा था इस महीने तो वैसे कॉल मत करना, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं हो पाया, फिर भी आपको नहीं, आपको वो नहीं पड़ा। अगले महीने की डेट तक हो जाएगी, मुझे कन्फर्म बता दीजिए। एक बात बताओ, डेट अगर डेट मेरे पास कन्फर्म होती है क्या किसी की चीज़ की, ये बता दो। कुछ आपके पास कुछ चीज़ की डेट कन्फर्म है क्या? कोई बात नहीं, आप कॉल करो, कॉल करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मेरे पास पैसा है नहीं, ठीक है, आएगा तो मैं आप जैसे पहले करता था वैसे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे भी होना चाहिए कि अगर इस महीने नहीं हो पा रहा है तो अगले महीने कन्फर्म हो जाएगा आपका, मुझे भी कन्फर्म होना चाहिए। आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो आप तो अभी भी मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं, अगले महीने आप कर देंगे। सिक्योरिटी मैं कैसे दे दूँ, जब मेरे को आगे से कोई सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, मैं कहाँ से सिक्योरिटी कर दूंगा बताओ। तो आप कमेंट करो, अभी कुछ अपना इंटेंशन शो करो, कुछ तो कमेंट करो। मैं ये नहीं कह रहा आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हमारा कमेंट कर दो, देखिए अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे, इस पर सेटलमेंट लेके ई एम आई ले लीजिए, ई एम आई का भी ऑप्शन है आपके पास, ई एम आई लेके कंट्रोल कर दीजिए, धीरे धीरे आप पेमेंट करते रहिए, जैसे आपके पास अमाउंट आता रहेगा आप पेमेंट करते रहिए। अभी नहीं, चलिए ठीक है, मैं पर जैसे आएगा मैं कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब इस महीने हो ही नहीं पाएगा? नहीं नहीं हो पाएगा इस महीने, बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ, यही बात देखो, उस दिन अगर आप मेरे से 1-4 घंटे बात करोगे तो भी मेरा यही आंसर है, क्योंकि देखो उस दिन भी यही हुआ था। यस सर, तो फिर अगले महीने। हेलो, हाँ बोलो। देखो जैसे ही मेरे पास आएगा मैं खुद ही कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास आएगा आप कर देंगे, मतलब आपके पास नहीं आएगा तो आप नहीं करेंगे कन्फर्मेशन। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप पैसा कैसे दे दोगे, आप कैसी बातें कर रहे हो, और होगा तो आप रखोगे भी नहीं। अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, देखिए ऐसा तो अभी नहीं आया ना, काफी टाइम से नहीं आया, 2022 से आपके पास अभी नहीं रहा है अमाउंट, आप अरेंजमेंट नहीं कर रहे तो आइए रहा होता ना, आया होता पैसा अपने आप नहीं आता, उसके लिए आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और लेने के लिए मैंने भी किसी को दे रखा था,
बात को आगे बढ़ाने देखो अभी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अभी देखो बात को आगे बढ़ाने कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखो बात बढ़ाने का फायदा नहीं है। आपसे पहले मैंने आपसे यही बोला था आज डेट में कुछ कमेंट कर दो। नहीं कहा था मैं, आपने ये कहा था लेकिन मैंने ये कहा था मेरे अभी तो कैसे ही पैसा नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल भी वो नहीं पड़ा, आपने तुरंत दो एक दिन में फिर फोन कर दिया। हेलो हाँ, आपको वही कह रहा हूँ कि आपके जो रिलेटिव में कॉल आएंगे, आपने एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर आप मुझे ये बताइए रिलेटिव में कॉल क्यों जाएंगी, और रेफरेंस आपने क्या क्या बताया, रिलेटिव में कॉल जाएंगी, फैमिली में कॉल जाएंगी, उनके नंबर आपके पास कहाँ से आएंगे ये बताइए आप मुझे। सर सर वो हमारा काम है, नंबर में कॉल नहीं करना, क्या करना वो तो मैं कर दूंगा। कहाँ से कर दोगे आप, कहाँ से कर दोगे? मैं तो ऐसा बोला नहीं पेमेंट नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए आपके पास फैमिली के नंबर कहाँ से आएंगे, और क्या कहते हैं ये आपने क्या बोला रिलेटिव के नंबर कहाँ से आएंगे, आप मुझे ये बताइए ना रिलेटिव के नंबर कहाँ से आएंगे आपके पास। नहीं नहीं आपने मुझे ये बोला, मुझे आप पहले मुझे इसका आंसर दीजिए, आप आपके पास यहाँ के नंबर कहाँ से आएंगे, ये रिलेटिव के नंबर कहाँ से आएंगे? तो आप ये भी काम करते हो, आप ये लोगों के नंबर ट्रैक करते हो, आप ये लोगों के नंबर भी, आप एक मिनट सबों की कॉन्टेक्ट लिस्ट भी ऐड करते हो क्या आप लोग? सॉरी आप लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट भी ऐड करते हो क्या कस्टमर की? तो ये सर ऐड कुछ नहीं करता हूँ, मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ से प्रोवाइड होता है मुझे बताओगे? नहीं तो मुझे आप मुझे ये बताइए ना, आपने मुझसे बोला कि अभी वो हमारा काम है हमें दी जाती है, कहाँ से दी जाती है, आपको कौन देता है, आपका सीनियर देता है? मैंने ये चीज बोला नहीं है, मैंने नहीं बोला कि मैं कॉल नहीं करूंगा। रिलेटिव आपको कॉल करेंगे ना, उसी जानते आपको पता चल जाएगी कहाँ से मिलती है मुझे। आप कहाँ से बात कर रहे थे, SBI से बात कर रहे थे ना? HDFC से बोल रहे थे। अच्छा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद ठीक है। अब आपने एक इंटेंशन बना रखा ना, कमेंट नहीं करना। मैंने तो ऐसा बोला, अपना इंटेंशन आपको बताऊंगा ठीक है। आप बताओगे मतलब आप धमकी दे रहे हो क्या? हाँ धमकी दे रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं दे रहा ना, बट अभी धमकी समझना आप। अच्छा हाँ, क्योंकि इतने चार से आप समझ नहीं आ रहा, आपको काफी टाइम से उस दिन भी मैंने आपको समझाया था। आप मुझे अपना नंबर बताओगे किस नंबर से आपने कॉल किया था, आप मुझे एक बार ये बता दो।